सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत मज़े में हैं? मन लग रहा है घर पर? अच्छा, घर पे बहुत मन लग रहा है आप लोगों को क्या? तो अच्छी बात है, मन लगना ही चाहिए घर के अंदर। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा काम कौन सा करना है? पढ़ाई करना है। मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सारे काम करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा सबसे ज़्यादा काम क्या करेंगे? पढ़ाई का, ठीक है ना? तो आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए निकालिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। और आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पेज नंबर 35 से ही, हिंदी की बुक से, जिसमें अ की मात्रा लगाना था आपको। मैं पढ़ाई थी और उसके बाद कुछ गृह कार्य दी थी, उसमें आपको बोली थी व्यंजन वर्ण पर अ की मात्रा लगाना है और उसे बोल करके पढ़ना है। तो ऐसा आप लोगों ने किया? सच्ची बहुत अच्छी बात है, तो करना ही है। साथ में रोज़ पर डे अपनी क्लास को देखना है, उसे पढ़ना है, आपको स्टडी करना ही है। हर हाल में हर काम कीजिए पर समय निकाल करके आप हमेशा रोज़ याद करके अपनी मम्मा को परेशान कीजिए, अपने पापा को परेशान कीजिए केवल पढ़ने के लिए। बाद बाकी और काम के लिए परेशान मत कीजिएगा, ठीक है ना? पढ़ने के लिए कीजिएगा, जो मम्मी या पापा आप मुझे मेरी क्लास दिखाइए, ठीक है ना? और ऐसे टाइम में भी नहीं आपको परेशान करना है जब आपके मम्मी पापा काम करते हो या बिजी हो किसी काम में, जब वो फ्री हो तो ही पढ़ना है। और पेरेंट्स लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी फ्री हो तो अपने बच्चे को ज़रूर से ज़रूर क्लास दिखाएं, पढ़ाएं उन्हें, ठीक है ना? तो ये सब बातों के साथ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 35 निकालिए बच्चों, और उसमें क्या पढ़ना है? अ की मात्रा। कल हमने क से त थ द ध तक अ की मात्रा जोड़ करके लिखे थे, पढ़े थे, और उसमें से कुछ गृह कार्य भी दिए थे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अ की मात्रा वाले शब्द। तो आइए देखते हैं अ की मात्रा वाले शब्द। अ की मात्रा वाले शब्द। अ की मात्रा वाले शब्द देखिए। आप लोगों ने बुक ओपन कर लिया? चलिए सबसे पहले कौन सा शब्द है? क आ। इसे कैसे लिखेंगे? बोलेंगे हम, स्वर ध्वनि जो भी निकलेगी हम उस पर खासकर ध्यान देंगे, वहाँ जहाँ हम मात्रा लगा रहे हैं। तो क आ, तो इस बात का ध्यान देना है हर एक वर्ण पर कौन सी स्वर ध्वनि निकल रही है। तो क आ लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? क जोड़ औ, यानी अ की मात्रा जोड़ आ। देखें क आ लिखना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले जोड़ जोड़ के अलग अलग करके क जोड़ औ जोड़ आ, क्या हो गया? क आ। क यहाँ का जुड़ गया,
इसमें अ की मात्रा जोड़ना है, तो देखिए क के बगल में, क के सामने फिर आ जोड़ देना है, तो क अ क हो गया और इस पर आ जोड़ दिए तो क्या हो गया बच्चों, क आ, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसे, कौआ। फिर है पौधा, पौधा, तो फिर क्या लिखेंगे हम पहले, प जोड़ औ, ठीक है, प जोड़ औ, क्या हो गया, प जोड़ धा, प जोड़ औ जोड़ धा। अब यहाँ हम लिख देंगे प, फिर इसमें जोड़ देंगे अ की मात्रा, हो गया प और धा, जोड़ दिए हम धा। ये क्या हो गया, प जोड़ अ जोड़ धा बराबर पौधा, प आकार पौ, धा आकार धा पौधा। अब है नौका, नौका, तो हम ध्यान देंगे कौन सा पहला अक्षर है, नौ, तो क्या लिखेंगे हम, न, न जोड़ नौ है तो न जोड़ औ, नौ, न जोड़ औ, नौ जोड़ का, क्या हो जाएगा ये सारे मिलकर के, नौ का, नौ का, कैसे हुआ फिर से देखिए, न जोड़ औ जोड़ का बराबर नौ का, न लिख दिए फिर अ की मात्रा है, न के बगल में लिख दिए सामने अ की मात्रा, हो गया न आकार नौ और क आकार का, नौ का। इस तरह से फिर है औरत, औ, तो अ लिखेंगे जोड़ अ की मात्रा लिखेंगे, आ जोड़ औ यानी औ, फिर जोड़ र जोड़ त, इन सारे को मिला करके क्या हो गया, औ अ जोड़ औ औ र त औरत, ठीक है। हाँ तो एक मिनट, ये जो है बच्चों बुक में मिस प्रिंट है, कुछ गलत दिया हुआ है, अ जोड़ अ नहीं होगा, क्योंकि ये अ जो है खुद मात्रा है, खुद एक स्वर है, तो अ जोड़ अ नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट अ जोड़ र जोड़ त औरत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अ से अ तक जब हम लिखते हैं तो उसका स्वर और उसकी मात्रा अलग नहीं करेंगे, हम एक ही साथ उसमें जोड़ते हैं, क्योंकि स्वर और मात्रा जो है वो बस एक ही साथ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अ जोड़ अ नहीं होगा, अ जोड़ र जोड़ त डायरेक्ट हो जाएगा औरत। फिर है खिलौना, खी लो ना, ध्यान देना है सबसे पहला अक्षर कौन सा है, ख, तो खी लो ना, ख में कौन सी मात्रा लगी हुई है बोलिए, खी, खी, तो हरश हुई है, खी जोड़ लो, लो पर ओ की मात्रा नहीं लगेगी अभी, क्योंकि इसमें हमको जोड़ना है, तो हो गया ओ जोड़ ना, ख हरस्वी खी जोड़ ल जोड़ अ जोड़ ना, ना आकार ना, ये सारे मिलकर हो गए खी ल
ना खिलौना, क्या हो गया बच्चों? खिलौना। फिर क्या है? चौकीदार, चौकीदार। तो पहला अक्षर क्या है? च है, और उस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की। हम लिखेंगे च जोड़ ओ जोड़ की जोड़ दा जोड़ र। बहुत बड़ा है। च जोड़ अ जोड़ की जोड़ दा जोड़ र, इन सभी को मिलाकर के क्या बन जाएगा? चौकी दार। ठीक है, क्या हो गया? चौकी दार। अब ये तो ख़त्म हो गया, हम कुछ अपने मन से भी शब्द लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे चौक, ठीक है, चौक। सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है? च। इस पर मात्रा कौन सी आ रही है? चौ। औ की मात्रा, इसे हम जोड़ देंगे, औ की मात्रा, क्या हो गया? च जोड़ औ, चौ। और लिखना है क, क पर कोई मात्रा नहीं है, हम सीधा यहाँ लिख देंगे क, ये हो गया चौक। ठीक है बच्चों, च जोड़ अ जोड़ क बराबर चौक। अब इसके बाद हम याद करते हैं अ की मात्रा वाले शब्द। चौक के बाद हम लिखते हैं फौजी, फौजी। फ पर कौन सी मात्रा आ रही है? बोलिए फ, फ ओ फ, यानी कि फ के साथ ओ की मात्रा आ रही है ना, तो हम ओ की मात्रा ही जोड़ेंगे, फ जोड़ ओ, क्या हो गया? फ जोड़ जी, क्या हो जाएगा? फौजी। चलिए यहाँ लिखते हैं फ औकार, फ ज दीर्घ ई जी फौजी। अब आगे है लौ की, ठीक है, लौ यानी कि लौ, लौ जोर ओ, क्या हो जाएगा? लौ की जोर की, यानी क दीर्घ ई की, इनको मिला करके हो गया लौ की, लौ की। ऐसा है, बुक में दर्शाया गया है जो केवल अ की मात्रा ही के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो केवल अ की मात्रा के बारे में ही बताएं। तो हम यहाँ जैसे कि फ औकार फ और ज दीर्घ ई है, तो ज जोड़ दीर्घ ई भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम अ की मात्रा पढ़ रहे हैं इसलिए केवल अ की मात्रा ही जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, फ जोड़ अ जोड़ जी बराबर फौजी। ये आप तो पढ़े हुए हैं पिछला, दीर्घ ई की मात्रा तो आप समझ जाइएगा, फ औकार फ ज दीर्घ ई जी फौजी। इस तरह से है यहाँ लौ की, ल औकार लौ, क दीर्घ ई की लौ की। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इसे लिख लिए, अब हम इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, समझ पाइएगा ऐसे में। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, अ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अ की मात्रा कहाँ कैसे लगानी है, कल मैं बताई थी, अ की मात्रा वर्ण के सामने लगाना है,
वर्ण के बाद, वर्ण के पहले उसके पीछे हुआ, वर्ण के आगे यानी वर्ण के बाद उसके आगे हुआ, जैसे क के आगे, तो ये हो गया अ की मात्रा। इस तरह से हम कैसे जानेंगे अ की मात्रा कहाँ लगाते हैं? वर्ण के आगे, वर्ण के सामने, वर्ण के बाद, ठीक है। ऊपर में दो ठो मात्रा है, ये देखिए, तो ये है अ की मात्रा। बॉडी से कैसे बताए थे? इस तरह से दो हाथ ऊपर करना है तो ये अ की मात्रा होगी, या दो उंगली भी निकालते हैं तो भी समझ लीजिए ये अ की मात्रा है। हाथ को थोड़ा टेढ़ा कर देना है, क्योंकि इस तरह से ए की मात्रा और ए की मात्रा भी होती है, तो ए की मात्रा को भी हम इस तरह से करते हैं और अ की मात्रा को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, तभी तो समझ पाएंगे। अगर हम ए की मात्रा को और अ की मात्रा को अगर ऐसे ही करते हैं तो आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि अ की मात्रा है वो थोड़ा टेढ़ा हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन ए की मात्रा जो है वो सीधा वर्ण पर ही लिखा जाता है, वर्ण के ऊपर ही दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, समझ गए। चलिए, तो ये तो आपने जाना अ की मात्रा कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है और कैसे इसका पहचानिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसे अ की मात्रा वाले शब्द, कैसे शब्द बनाना है। कौवा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले हम अक्षर पर ध्यान देंगे कि पहला अक्षर क्या है और उसकी स्वर ध्वनि क्या निकल रही है, यानी कौन सी मात्रा लग रही है, इस बात का भी ध्यान देंगे। तो क जोड़ औ, क्या हो गया? क जोड़ आ, इन सभी को मिलाकर के कौन सा शब्द हुआ? कौवा। फिर से ध्यान दीजिए, मैं एक शब्द को दो बार तीन बार पढ़ाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। क जोड़ औ, क जोड़ आ, कौवा। फिर क जोड़ औ जोड़ आ, कौवा। समझ गए कैसे पढ़ना है? क औ कार कौ आ कौवा, क्योंकि यहाँ हम सीधा वर्ण के बाद अक्षर के बाद मात्रा ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर हम जोड़े हैं, इसलिए जोड़ का भी नाम, जोड़ को भी बोले हैं, इसलिए ये अलग अलग बोला जाएगा। फिर से देख लीजिए इसे कैसे पढ़ेंगे और इसे कैसे पढ़ेंगे। ये शब्दों को अलग अलग किया हुआ है और यहाँ शब्दों को जोड़ करके लिखा हुआ है, तो दोनों को बोलना भी अलग अलग तरीके से है। क जोड़ औ जोड़ आ कौवा। अब यहाँ कैसे पढ़ेंगे? क औ कार कौ आ कौवा, समझ गए। फिर है पौधा, कौवा के बाद क्या है बच्चों? पौधा। पौधा में पहला अक्षर क्या आ रहा है? प। क्या आ रहा है? प, लिख दिए। फिर बोलना है पौ धा, प पर कौन सी मात्रा आ रही है इस बात का ध्यान देना है, तो बोलिए बच्चों पौ। क्या निकल रही है स्वर ध्वनि प के साथ? पौ ओ, तो हम यहाँ औ की मात्रा लिखें प के साथ। प जोड़ औ, प जोड़ धा, क्या हो गया? प धा। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? प औकार प ध आकार धा पौधा, समझ गए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प जोड़ औ जोड़ धा पौधा, इसे पढ़ेंगे प औकार प ध आकार धा पौधा। हम दोनों तरीके से भी पढ़ेंगे तो भी इसका शब्द एक ही आएगा, पौधा, समझ गए। अब है नौ का, फिर समझिए, बोलिए। जब भी लिखना है उससे पहले बोलिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। बोलिए नौ का,
नौ, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है? न, फिर मात्रा कौन सी आ रही है? ओ, नौ, तो न जोर ओ, नौ, तो यहाँ हम लिखें न जोर ओ, नौ जोर का, नौ का, ठीक है। अब हम नौका को पढ़ेंगे, शब्द को पढ़ेंगे, तो न औकार नौ, क आकार का, नौका, समझ गए बच्चों? फिर आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या है। ये है औरत, कौन सा शब्द है? औरत, औजार, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। तो ये सब जो है ना, कोई भी अगर ऐसा शब्द आप पढ़ रहे हैं जिसमें वर्ण स्वर वर्ण न दे करके व्यंजन वर्ण से शब्द बना हुआ है, तो उसको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, उसे सीधा एक साथ ही बोल करके पढ़ेंगे, समझ गए? जैसे है औरत, तो औ जो है ये खुद ही एक मात्रा है, स्वर वर्ण है। अब बोलिए आप औ, तो औ में कोई और स्वर ध्वनि निकल रही है? नहीं ना, तो हम उसमें औ में कुछ और जोड़ नहीं सकते हैं, सीधा इसे बोलेंगे औ। औ की मात्रा है तो इसकी स्वर ध्वनि भी औ ही निकल रही है। औजार भी पढ़ेंगे तो उसकी भी स्वर ध्वनि औ है, पहला अक्षर, और उसकी स्वर ध्वनि भी ओ ही निकल रही है, समझ गए? तो हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये खुद एक स्वर वर्ण है और मात्रा है। अब व्यंजन वर्ण जो क से श्र तक हम पढ़ते हैं, उसमें हम इनको जोड़ सकते हैं अलग अलग करके, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को। लेकिन यहाँ जो स्वर वर्ण है, इसको हम मात्रा और स्वर वर्ण को अलग नहीं कर सकते हैं, जो स्वर वर्ण है वही मात्रा है, समझ गए? चलिए तो इसे पढ़ते हैं हम। औ जोर र जोर त, क्या हो गया? औरत। इसे हम सीधा पढ़ेंगे औ र त, कभी भी हम इसे अ जोर औ या अ औकार औ र त, औरत नहीं पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसे हम अलग अलग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्वर वर्ण है, तो ओ र त औरत हो गया। आगे क्या है? खिलौना, ख हरस्व ई, खी जोर ल जोर औ, ल जोर न, इनको मिला करके क्या बन गया? खिलौना। इसे कैसे पढ़ना है? ख हरस्व ई, खी ल औकार ल, न आकार न, खिलौना। फिर क्या है? च जोर चौकीदार पढ़ना है, च जोर अ, च जोर की, जोर दा जोर र, चौकी दार। इसे पढ़ना कैसे है? च औकार चौ, क दीर्घ ई, की द आकार दा र, चौकी दार। फिर नीचे क्या है? चौक, पहला अक्षर च जोर ओ, चौ जोर क, क्या हो गया? चौक। इसे पढ़ेंगे च औकार चौ, क चौक। फिर है फौजी, फ जोर ओ, फ जोर जी, फौजी, फ औकार फ, ज दीर्घ ई, जी फौजी। फिर है
लॉ की। लॉ जोड़ आओ, लॉ जोड़ की, लॉ की, लॉ की। इसे कैसे पढ़ेंगे? उच्चारण करके, हिज्जा करके। लॉ औ कार, लॉ क दीर्घ ई, लॉ की। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छा से समझा होगा। नहीं समझे तो आप मुझे बताएंगे, फिर हम आगे क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।